हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आप लोग देख रहे हैं, मैं ससुराल थी, हमारी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो इतनी दूर आके माँ से ना मिलूँ तो फिर क्या ही आना। तो आज हम जा रहे हैं गांव माँ से मिलने। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ और जो भी बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है सबका आशीर्वाद लेना, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हम जो भी है यहाँ तक है। हाँ, 50,000 के द्वार पर बटोर दो लो। और ये हमारा मंदिर है। सबसे मिलने के बाद, सबका आशीर्वाद लेने के बाद, मैं भगवान जी का आशीर्वाद लेके फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। गर्मी हो रही है, एसी चलाइए। चला दिया उधर कर ले, और इसको इधर कर ले। बाप रे, घूंघट किए कि एकदम, ये देखिए ये मूछ बन गया मेरा। गुड शाबाश, गुड शाबाश। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? थोड़ा जोर से बोलिए। क्यों? कैमरे में कैद होने के लिए? या फिर नहीं बोलते अभी। चलिए, मेरे तरफ है कैमरा, ठीक है, जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। आज मेरी तारीफ में, ब्लैक साड़ी पहनी है मैंने। ब्लैक साड़ी के लिए कुछ कही है? हमेशा बोलते हैं इतनी अच्छी लगती है ब्लैक साड़ी में, कुछ कही है? मुझे ही अपनी तारीफ खुद करनी पड़ रही है। इंग्लिश तो रहिए दीजिए, रहने दीजिए, फौजियों का इंग्लिश पता है मुझे। सो गाइज, अभी मैं निकल चुकी हूँ ससुराल से। तो आप लोग भी बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं। ब्लैक साड़ी तो, ब्लैक तो मेरा फेवरेट है, तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे। और ऊपर से ये मैंने येलो सिंदूर लगा रखा है, क्योंकि ये चढ़ाया हुआ सिंदूर है। तो जब से गई थी वहाँ पे, तो सासू माँ ने दिया कि यही वाला सिंदूर लगाना। वो थोड़ा, मतलब सासू माँ ना थोड़ा पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, ये सारी चीज़ें, जब किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं बस। थोड़ा धीरे ही चला लीजिए। येलो सिंदूर लगा के चेहरा खिल जाता है बिल्कुल भी। ऊपर से ये ब्लैक साड़ी, क्या कहना, ब्लैक साड़ी तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, बिल्कुल पार्टी वेयर है। और मैं पहन के अभी जा रही हूँ गांव, तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सबसे मिलना है काफ़ी दिनों के बाद, मम्मी छोटी सबसे मिलना है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ, ठीक है। और ये ब्लैक बिंदी के बाद मैंने नीचे एक रेड बिंदी लगाया है, वो सासू माँ ने लगाया है, बोली कि ये वाली बिंदी लगा लो। तो ब्लैक भी मैंने रहने दिया, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है, तो उसको तो बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ सकती। तो चलिए, अभी जैसा होता है आगे का अपडेट देती हूँ मैं आपको। जी कुरकुरा आप ले लीजिएगा, इस कुरकुरा दोनों देवी लोग का फेवरेट है। देवी जी लेके गई नहीं। हे गाइस, तो हम निकल चुके हैं और उधर फौजी साहब गए हैं मिठाई उठाई लेने, मतलब गाँव के लिए। तो मैं बस गाड़ी में बैठ के वेट कर रही हूँ। हे गाइस, तो हम बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं गाँव, और सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि स्माइली नहीं दिख रही है, तो उन देवी के बारे में बता दूं कि वो कल ही चली गई। बबुआ आया था लेने के लिए, क्योंकि वो
वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि माँ से मिलना है, छोटी मासी से मिलना है। तो मैं पहुँच गई गाँव और ये देवी जी लोग का देख सकते हैं एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा, खुश है। सुबह से ही कॉल कर करके कब आओगे, जल्दी आ जाओ। लेकिन अब क्या ही बोलूँ, घर से निकलना इतना आसान नहीं होता, मतलब करते करते लेट हो ही जाता है। और मैं तो पहुँची शाम के 5:30 बजे तक। और इन लोगों का कुरकुरा दोनों ही लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है ना कि क्या ही बोलूँ। मतलब स्माइली और छोटी की ना सारे गुण मिलते हैं, पता ना कैसे इन लोगों का इतना मैच करता है। इसीलिए दोनों में पटती भी बहुत है। स्माइली सबसे ज़्यादा छोटी को पसंद करती है सबसे ज़्यादा। तो इन लोगों की खुशी देख सकते हैं। मैं हमेशा ही जब भी जाती हूँ गांव तो छोटी के लिए जरूर कुरकुरा लेके जाती हूँ। सरप्राइज भी छोटी वासी के। हाँ चलो पापा लेके आएगा, पापा लेके आएगा। नहीं सरप्राइज मुझे लेके आना है। चलो मम्मी कहाँ है? मम्मी अभी मुझे मम्मी से मिलने की एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, इंतज़ार नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने दिनों बाद मिली थी। तो मैं बस भागी भागी जा ही रही थी, तब तक अचानक से फौजी साहब ने बोला कि अरे मुझे भी तो लेके चलो। फिर मैं उनके साथ गई थी। आगे की वीडियो फौजी साहब के साथ जाना, मम्मी से मिलना, वो सब ना शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, मैंने अपलोड कर दिया है, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ ना मम्मी ये रस्म कर रही हैं, हम जब भी ससुराल से मायके आते हैं ना तो मम्मी ये पैरों में तेल लगा के पता ना क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं, ककन छुड़ाते हैं, पता ना नहीं पता मेरे को उसका नाम, लेकिन करते हैं। और ये वीडियो देख के बाद में मुझे इतना रोना आता है ना कि क्या ही बोलूँ। अरे ये कानपुर लिए थे और वहीं से बेचारी इसको रख के संभाल के छोटी मासी को सरप्राइज बन गई। मुझे बोल रही छोटी मासी आपके लिए लॉलीपॉप दोनों शेयर करेंगे। छोटी मासी तुम्हारी लॉलीपॉप खाएगी। गदा है ये, गदा गदा, लेट मी हेल्प यू। बट दोनों सिरकंडी लॉलीपॉप चाटेंगे। मुझसे बोल रही है ना ये छोटी मासी, आपको पता है मैं क्यों पतली हूँ? तो मैंने पूछा क्यों, क्योंकि मैं आप पे गई हूँ, मेरे तो नेल से मामा खोलेगी इसके लिए, वो चाहिए ब्लेड वाले तो चाहिए। ए मां रुके रुके, मैं देख उधर ब्लेड होगा, देखो छोटी वाली ब्लेड निकाल लिया, ब्लेड निकाल ली है, ब्लेड या वो सीजर से तो कटेगा नहीं, ब्लेड से ही। इधर हम लोग का कबाड़ा फैला हुआ है। हाँ। जो जो मेरे पास सामान आया हुआ था सब मैं दीदी को दिखा रही हूँ लाते ही। ये हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, बस आते ही हम लोग लग गए हैं कामों में। पहले तो बुखार है, कोई एक दिन के लिए कुछ समझ नहीं आता है, किसी को भी एक दिन के लिए तो नहीं जाना चाहिए कहीं पे इतनी दूर से आके। आजकल हम बिजी पर्सन हो गए हैं। ऐसे ये डाला है आज सिल्वर का कड़ा, आज बोल रिंग चाहिए। क्या है बोल रिंग? मैंने बोला ना कि किसी को निकालने नहीं देना, जब मैं पहना रही थी तो मैंने बोला कि स्माइली किसी को निकालने नहीं देना, तो इसने पूछा क्यों, तो मैंने बोला क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये एक्सपेंसिव भूल गई थी, तो उससे सिमिलर वाला वर्ड ढूंढ के बहुत रिच है ये। हाँ, स्माइली की स्टोरी सब लोग सोच रहे होंगे कि स्माइली मेरे साथ क्यों नहीं आई। आपने बताया नहीं ये क्या हुई? नहीं मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। अच्छा। स्माइली जाने के बाद तो स्माइली का बता दो, तुम भी बता दो इनकी स्टोरी। स्माइली कल ही हमारे पास आ गई थी, हमारे पास जब से मुझे पता चल गया था कि स्माइली यहाँ पे आ गई थी तो मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने दीदी से बोला कि आप कम से कम बाद में आएंगे तो एटलीस्ट स्माइली को तो तब तक भेज दीजिए, इसलिए हमने बबुआ को भेज के स्माइली को बुलवा लिया। कल ये देखो गदा के अंदर क्या निकल रहा है। अच्छा इसको ओपन करके देखते हैं ये कैसे ओपन होगा। इसमें कुछ रख नहीं सकते क्या? पता नहीं, पहले ये ओपन तो हो। लो ये ओपन कैसे होगा? ओ ये बहुत सारे इसके अंदर लॉलीपॉप ही है। स्माइली गेस कर रही थी कि प्लंजर होगा, प्लंजर प्लंजर, वो जो ऐसे वो पकड़ के नहीं खींचते है कुछ, प्लंजर ये तो लॉलीपॉप है। स्माइली छोटी बार सिखाएगी होगी, अच्छा होता है।
स्माइली खाएगी, धीरे धीरे रख लो, धीरे धीरे बाद में खाना। ओके खा लेना यार, हाथ जोड़ के कर। ओके नहीं 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 खा लो, ब्लेंडर इसको रख दो, इसको रख दो। अभी देखो मम्मा की चीज देखते हैं, अच्छा लो अभी ये सब देख लेते हैं, मम्मा को दिखा दे। मम्मा के पास टाइम बहुत कम है, आज हम लोग पूरी रात सोने वाले नहीं है। जो मुझे मिले हैं बर्थडे का गिफ्ट, एनिवर्सरी आने वाली है तो एडवांस में मुझे गिफ्ट मिल रहा है। ये तो ये ले जाना है ना आपको, कौन सा तो वही छोटी मम्मी जब से आए हूँ सब दिखा रहे हैं कि देख लो कौन सा लेके जाना है, कौन सा यहाँ मतलब गांव पे छोड़ना है, वहाँ पे ज़्यादा यूज तो आ नहीं पाता है तो ज्वेलरी वगैरह तो कुछ रखते नहीं है। लेकिन अभी गिफ्ट मिला है तो लेके जाऊँगी, आप लोगों से भी शेयर करूँगी क्या क्या है। और ये सब हम लोग देख चुके हैं, पूरा फैला रखा है। और ये छोटी सब मेकअप वाले प्रोडक्ट्स मंगाए हैं तो और अभी जाने की भी पैकिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा अंदर से तो अब क्या ही बोलूँ, क्या फील होता है ये कहने की बात नहीं है। ये मतलब हर लड़की को ही होता होगा शायद, और जो कमेंट करते हैं बैड कमेंट, मुझे नहीं समझ में आता है कि एक औरत हो के कैसे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, बुरा कमेंट करते हैं। क्या उनके पास दिल नहीं होता है मतलब किसी भी चीज़ को लेके? यार औरत हो तो मतलब औरत के तरफ से होना चाहिए, लेकिन नहीं समझते हैं आप लोग। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि ढंग से मम्मी से बात भी नहीं कर पाई। और ये सारी चीज़ें देख के ना जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मम्मी मतलब एक एक चीज़ है कि इसका कुछ छूट ना जाए, पहले से भी जो चीज़ छूटा हुआ है वो इकट्ठा करके रखती हैं बहुत ही अच्छे से संभाल के, ताकि मैं फिर ले कर जा सकूँ। तो वही सारी चीज़ें वो दिए जा रही है, मैं उसको रख रही हूँ। और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड कर दूंगी, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे क्या होता है और आपको भी दिखाऊंगी। थैंक यू देखने